तो ये तस्वीरें लगातार आ रही है कि आखिरकार जो भीड़ है वो किस तरीके से गुस्साई हुई और अब सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, आज लोग सड़कों पर उतरे हैं और उनके द्वारा विरोध जताते हुए कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है, आगजनी की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां तहां लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो इस चीज को लेकर के हो रहा था कि जिस शख्स को गोली मारी गई थी उसका पार्थिव शरीर आ गया, उसे रख करके ये प्रदर्शन किया जा रहा था। और ये तस्वीरें भी देखिए, जहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो गुस्से में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पत्थरबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी। ये लाइव सीधी तस्वीरें आ रही है जहां फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था कायम की जाए। और बहराइच की जो ये तस्वीरें सामने आ रही है उसके पीछे की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। दुर्गा विसर्जन किया जा रहा था, इस दौरान भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, किसी ने उस दौरान गोलियां भी चलाई, एक शख्स को 13 गोलियां लगती है यह जानकारी मिलती है, उसकी मौत हो जाती है, कई लोग घायल बताए जाते हैं और उसी शख्स का पार्थिव शरीर आज जब आया तो लोगों ने पार्थिव शरीर को रख करके प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन पूरी तरीके से भड़क गया, जिसके बाद पूरे इलाके में आगजनी की गई। ये लाइव तस्वीरें भी बहराइच से देखिए कि बहराइच में जो बवाल हुआ है उसके बाद शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है और एक बड़ी टीम सड़कों पर निकल करके लोगों को शांत करवाने की न केवल कोशिश कर रही है बल्कि ये जो प्रदर्शन उग्र हुआ है उसे भी पूरी तरीके से यहाँ पर शांत करवाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बहराइच में जो बवाल हुआ है उसकी सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां बहराइच में हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की है, अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई है, सभी उच्च अधिकारी इसमें मौजूद रहे हैं। बहराइच में जो बवाल हुआ है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी नजर है और अब उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ ये मीटिंग ली है, हर चीज को समझा है कि आखिरकार किस तरीके से ये जो पूरा बवाल है वो भड़का है, आखिरकार वो दंगाई कौन थे जिन्होंने इसे भड़काने का प्रयास किया, जिन्होंने बहराइच को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। लोग सड़कों पर उतर करके अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गोली मारी है, जिन लोगों ने इस पूरे जुलूस के दौरान गोलियां चलाई, तो देखिए किस तरीके से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वहां पर प्रदर्शन हो रहा था लेकिन उसके बाद अचानक से वहां पर हिंसा हो गई। इसी मामले पर डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है, जो भी दोषी होगा जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी, परिस्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो पुलिस है वो कोशिशें कर रही है कि मामले को शांत करवाया जाए किसी भी तरह, क्योंकि भीड़ इस वक्त गुस्से में उग्र हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है वो लोग जो चाहते नहीं कि वहां पर शांति रहे, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर, हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में अगर देखें तो 10 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है, 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लगातार यूपी के डीजीपी बहराइच जा सकते हैं ये भी माना जा रहा है। बड़ी बैठक हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक कर रहे हैं, इस मामले में एक्शन भी हुआ है, सस्पेंशन भी हुआ है चौकी इंचार्ज का, क्योंकि समय रहते अगर इस भीड़ को काबू में कर लिया जाता तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह से मूर्ति विसर्जन के लिए पूरी की पूरी एक तरह से कहें कि लोगों की वो भीड़ नजर आ रही थी जो विसर्जन के उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, लेकिन उसी वक्त विशेष समुदाय के लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और उसी के बाद ये जो मामला है ये और बढ़ता चला गया। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था वहां पर बन सके। ये तस्वीर जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से आगजनी की गई, तोड़फोड़ हुई, यानी कि माहौल बहुत ज्यादा खराब वहां पर हो गया था, जिसके बाद वहां पर फोर्स की तैनाती की गई। और देखिए तीसरी तस्वीर में किस तरीके से वहां कई चीजों को आग लगा दी गई है और
ये कल जो हिंसा के बाद आज एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तीन तस्वीरों के जरिए आप वहां के हालात समझ सकते हैं। बहराइच में इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है। चलो अरे आराम से तो तीन तस्वीरें आगजनी और तोड़फोड़ की। बहराइच से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और आज जो बवाल हुआ है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें सीधे तौर पर आगजनी की गई है, इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि ये जो अशांति फैली हुई है लोगों को काबू में किया जा सके, शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, 10 पर केस दर्ज कर लिया गया है, 30 को हिरासत में लिया गया है, FIR बकायदा दर्ज की गई है। जिन लोगों ने इस पूरे मामले को भड़काया था, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने गोलीबारी की, उनमें से ऐसे 10 लोग हैं जिन पर सीधे तौर पर FIR हुई है, 30 लोग पुलिस की हिरासत में बताए जा रहे हैं। लेकिन आज फिर से एक बार हिंसा भड़की, लेकिन ये हिंसा उसी हिंसा के लिए भड़की जो पहले हुई थी, यानी जो पहले हुआ था उसकी वजह से लोग गुस्से में थे, जिसके बाद वो सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे। 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा उनके द्वारा निकाली गई थी उस व्यक्ति के जिससे 13 गोलियां मारी गई थी। अब इसी दौरान ये प्रदर्शन भड़क जाता है, आगजनी होती है, कई शोरूम है जिनमें आग लगा दी जाती है, क्लिनिक में आग लगा दी जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, गाड़ियों में वाहनों को भी फूंक दिया जाता है, घरों को भी जलाने का प्रयास किया जाता है। और अब इसे शांत करने के लिए फ्लैग मार्च निकाल करके पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव वालों का प्रदर्शन भी आप एक तस्वीर में देख सकते हैं। बवाल और आगजनी के बाद जो स्थिति बनी वो भी देखिए। पुलिस ने सबको शांत करवाने के लिए, काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गांव वालों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था जिसके बाद यहां पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, अचानक से ये प्रदर्शन जो है हिंसा को चला और इसी में एक्शन भी लिया गया है। यानी कि महसी थाने के जो SHO हैं और चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से विसर्जन, दुर्गा पूजा में विसर्जन के दौरान यह हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद गोली चली फायरिंग होने के बाद और आज ये स्थिति। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में हिंसा का मामला, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, करीब 30 लोग पुलिस की हिरासत में हैं इस समय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अब एक्शन लिया जा रहा है, हिंसा का मामला जिसमें 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं कंट्रोल हो रही है। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं कंट्रोल। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं कंट्रोल हो रही है। SP जो वहां पर मौके पर मौजूद है उनको आप सुन रहे थे, जब उनसे सवाल किया गया कि अभी स्थितियां कैसे कंट्रोल होंगी तो इसको लेकर उन्होंने कहा अभी स्थितियां कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन एक तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है, सवाल उठाने वाली है कि आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे। क्योंकि आप देखिए दुकानों को जला दिया गया, बाइक शोरूम को जला दिया गया, या आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में भी किस तरह से आग लगा दी गई, यानी साफ तौर पर नजर आता है कि यहां माहौल खराब करने की कैसे कोशिश की गई है। ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, दुर्गा विसर्जन के लिए सबके सब जा रहे थे लेकिन उसी वक्त कैसे कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर उसमें एक शख्स की मौत हो गई। राघवेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, SP को हम सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि कोशिशें लगातार जारी हैं लेकिन सवाल तो ये आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे? ये अजय के पापा। तो एक बार फिर से राघवेंद्र से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तीन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के द्वारा पथराव किया गया, फायरिंग की गई, उसे लेकर के लोगों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है और नाराजगी की वजह से आज ये जो आगजनी की गई है, जो तोड़फोड़ की गई है, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये लोग इसी तरीके से रुकने वाले नहीं है, शांत होने वाले नहीं है। और साफ तौर पर ये कहा भी जा रहा है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने हत्या की है, उन्हें सीधे फांसी की सजा दी जाए। वृंदा शुक्ला जो कि SP है, वो खुद उतरी हुई है अब मौके वारदात पर, लोगों को शांत करवा रही है। उनका कहना है कि कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री